दोस्तों, अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में टैक्स फार्म कैसे भरते हैं इस वीडियो में हम पूरा दिखाएंगे। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र में अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन कीजिए और यहां पर टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है इस पर क्लिक कीजिए। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडोज़ ओपन हो जाएगी। विंडोज़ ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन आ रही है राइट साइड में, आप इस पे क्लिक करोगे। जो ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और विंडोज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये लॉगिन मांगेगा, आपका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगी, आपकी चैनल बिजनेस टाइप है या इंडिविजुअल। आप इंडिविजुअल पे क्लिक करके नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आपके सामने और दो ऑप्शन आ जाएंगी, यस और नो। आप नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे और दो ऑप्शन आ जाएंगी नीचे, आप पहली वाली ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक कीजिए। आपके सामने और एक विंडोज़ जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप का नाम पहले से ही लिखा हुआ आएगा, उसके बाद आप अपने चैनल का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। चैनल का नाम डालने के बाद यहाँ पे आप कंट्री अपनी जो है वो चूज़ कीजिए, आप किस कंट्री से है वो कंट्री यहाँ पे चूज़ कीजिए। उसके बाद यहाँ पे फॉरेन टेन जो दिखा रहा है अपना पैन कार्ड पे जो आपका नंबर है वो डाल दीजिए। फॉरेन टेन की जगह अपने पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिए और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, अपना वो एड्रेस डाल दीजिए जो आपने गूगल एडसन अकाउंट में दे दिया है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस भी सेम है तो नीचे इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए। एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे, आप नो पे क्लिक कीजिए, यस पे क्लिक कीजिए, सॉरी यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ करंट जो है वो अपनी कंट्री डाल दीजिए, करंट रीजन। जैसे मेरे इंडिया है, मैं इंडिया डालता हूँ। और यहाँ पे नीचे जो तीन ऑप्शन आ जाती है, एक एक ऑप्शन को टिक करते जाइए। यहाँ पे आर्टिकल 7 to 11 और यहाँ पे 0% आप डाल दीजिए। मैंने 30 डाला है, आप 0 डाल दीजिए और यहाँ पे टिक कीजिए। दूसरी ऑप्शन को भी टिक करने के बाद आर्टिकल 12 to 74 और 15% पे क्लिक कीजिए। तीसरी ऑप्शन पे टिक करने के बाद यहाँ आर्टिकल 12 to 24 और 15% पे क्लिक कीजिए और नीचे इस बॉक्स पे जो है टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सॉरी, यहाँ ऊपर रेड दिखा रहा है क्योंकि ये बॉक्स पे मैंने टिक नहीं किया है, इस पे मैं टिक करता हूँ। टिक करने के बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक कीजिए।
जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडोज़ जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे नीचे आपका फॉर्म दिखेगा और एक्नॉलेजमेंट आएगा, इस पर आप टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका पूरा डाटा आ जाएगा, यहाँ नीचे अपना सिग्नेचर डाल दीजिए, यानी कि जो आपका नाम है वो डाल दीजिए। यहाँ पे चैनल का नाम नहीं, जो आपका रियल नेम है जो आपने एडिसन अकाउंट में दिया है वो डाल दीजिए। डालने के बाद अगर आपने पेमेंट ली है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं किया है तो दूसरे ऑप्शन पे आप पहली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे और दो ऑप्शन आ जाएंगी आपके सामने, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यस पे क्लिक करके नीचे जो है, अगर आपने पेमेंट ली है तो दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं किया है तो पहली ऑप्शन पे। मैंने कोई पेमेंट नहीं ली तो मैं पहली ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ सबमिट कीजिए, तो यहाँ पे आप क्लेम देख रहे हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब।